नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रत्याशा मिश्रा, आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। और मैं लेकर के आई हूं आपके लिए UPPCS मेंस के वैकल्पिक विषय के तौर पर हिंदी लिटरेचर। दरअसल ये जो वीडियो सीरीज़ जो है, ये केवल UPPCS मेंस के लिए ही नहीं, आप UPSC की तैयारी कर रहे हों, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हों, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम्स जिसमें कि आपने हिंदी लिटरेचर को ऑप्शनल पेपर के तौर पर लिया हुआ है, उन सबके सिलेबस को मिला करके मैंने जितना पॉसिबल हो सकता है उतना रिच ये वीडियो सीरीज़ बनाने की कोशिश की है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर चैनल्स में भटकना ना पड़े। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो मैं देख रही हूँ कि जो भी वीडियो सीरीज़ बनाई जा रही है या चलाई जा रही है, उसमें कुछ टॉपिक्स तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक हमें उससे रिलेटेड नहीं मिल पाते हैं जिसमें कि प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं जितने संभव प्रश्न बने हैं उन सबको मिला करके मैंने ये वीडियो सीरीज़ बनाई है, जिससे कि आपको कोई भी एग्ज़ाम देने में दिक्कत ना आए और आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए, जितनी अच्छी हो सकती उतनी अच्छे से हो पाए। तो वीडियोज़ आपके लिए फ्री हैं। अगर आपको PDF चाहिए, बहुत सारे लोग PDF चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा और इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर और कॉल नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके आप और भी किसी तरीके की अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हमसे रिलेटेड, तो आप यहाँ से आप उसको पा सकते हैं। चलिए, तो हम जो पिछला वीडियो था उसमें हमने पृथ्वीराज रासो के विषय में बात किया था, जिसमें कि हमने उसका महाकाव्यत्व और ट्रेजिडी को आधार बना करके बात की थी। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और साथ में जो अन्य रासो ग्रंथ जो लिखे गए दो चार और, उनकी प्रामाणिकता से रिलेटेड क्वेश्चंस एक दो बार बने हैं, पूछे गए हैं, तो उनको भी ध्यान में रख करके एक ये वीडियो मैंने आज इसको भी बना रखा है। कथा सार की बात मैं कर रही थी लास्ट वीडियो में, कि हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसकी कथा से परिचित ना हो, तो अगर आप इसकी कथा से परिचित नहीं हैं तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। मैं आपको कहानी बता दे रही हूँ कि क्या करना है, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं ये तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि अब आप जाइए और इसका कथासार पढ़िए, मैं आपकी कहानी बता देती हूँ। कहानी बता देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप प्रामाणिकता पढ़ेंगे इसकी, कि प्रामाणिक क्यों नहीं है या क्यों किसने माना है, उसमें घटनाओं का, उसके लिए घटनाओं से परिचित होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं हम अब इसकी कथा की, कि कहानी क्या है। दरअसल क्या है कि पृथ्वीराज रासो जो है वो उसकी कहानी जो है वो सामंती जीवन के वैभव और विलास की कहानी है, ठीक है। इसकी शुरुआत में ये दिखाया जाता है कि जो अलग अलग राजपूत राजा और सामंत किस तरीके से एक दूसरे से शत्रुता और मतभेद में बंधे हुए हैं, ठीक है। तो पृथ्वीराज जो है वो अजमेर के राजा सोमेश्वर के पुत्र हैं और इनकी माँ जो है वो दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की बेटी थी, ठीक। तो जो राजा अनंगपाल की जो दूसरी बेटी थी, उनका विवाह कन्नौज के राजा विजयपाल से हुआ था और जयचंद जो था वो इन्हीं का पुत्र था, ठीक है। तो इस तरीके से जयचंद जो था वो कजिन मने चचेरा भाई था पृथ्वीराज का। ये आपको इतनी बात समझ में आएगी क्योंकि जयचंद और पृथ्वीराज, ठीक है, इन दोनों के बीच में शत्रुता क्यों थी, जयचंद कौन था, पृथ्वीराज कौन था, इसको भी लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसलिए मैंने शुरू में बता दिया कि जयचंद कौन था, पृथ्वीराज कौन था, ठीक है। इनकी शत्रुता का क्या कारण था ये भी आगे की कहानी में आपको पता चल जाएगा। तो पृथ्वीराज रासो की शुरुआत में सामंती जीवन की बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है, चंद्रवरदाई ने किया, जैसे कि पृथ्वीराज के आश्रम में रहने वाले भीमदेव चालुक्य के भाई का वध पृथ्वीराज का एक सामंत कर्ण कर देता है। और वो क्यों कर देता है, वो सिर्फ इतनी सी बात पर उसका वध कर देता है कि कर्ण जो था वो उसके सामने अपने मूंछों पर ताव देकर या मूंछों पर हाथ रखकर बात किया था उसने, ठीक है। तो इसके लिए वो उसको मृत्युदंड दे देता है। तो दंड के स्वरूप में परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पृथ्वीराज जो है वो कर्ण की आंखों पर पट्टी बंधवा देता है, लेकिन भीमदेव जो है वो बहुत क्रोधित रहता है, इससे होता है और मैंने उसको इतने से संतुष्टि नहीं मिलती है और वो पृथ्वीराज से क्या करता है, शत्रुता बना लेता है अपनी, ठीक। भीमदेव की पत्नी है मंदोदरी और उसकी बहन है इच्छिनी, ठीक है, वो उससे विवाह का दबाव बनाता है और फिर इच्छिनी और उसके पिता जो है वो दोनों मिलकर के, सॉरी, इच्छिनी के पिता और उसका जो भाई है उसने मिल, वो दोनों जो है पृथ्वीराज के पास इच्छिनी के विवाह का प्रस्ताव भेजते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि अब पृथ्वीराज और भीमसेन में बहुत प्रचंड युद्ध होता है, जिसमें कि पृथ्वीराज विजयी होता है और इच्छिनी से विवाह कर लेता है। दूसरी ओर एक शशिव्रता नामक राजकुमारी की कथा इसमें आती है, दूसरी कहानी जो इसमें आती है। ये हो गई उनकी पहली इच्छिनी से विवाह की
की कहानी। दूसरी कहानी जो इसमें आती है वो शशिव्रता के विवाह की आती है, ठीक है। चूंकि ये सार है इसलिए इसमें कुछ ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको कि बताना आवश्यक है, इसको इसलिए मैं इनको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो जो शशिव्रता है वो विवाह करने के लिए जयचंद का भतीजा उससे बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है शशिव्रता से, लेकिन एक हंस ने चूंकि शशिव्रता को पृथ्वीराज की कहानी सुनाई और वो सुनाती है और पृथ्वीराज की प्रशंसा करता है वो हंस उससे शशिव्रता से, तो वो क्या होता है कि वो पृथ्वीराज पर अनुरक्त हो जाती है या उसके हृदय में पृथ्वीराज के प्रति प्रेम अनुरक्ति, ठीक है, ये जग जाती है, ठीक। फिर इससे क्या होता है कि पृथ्वीराज और जयचंद के बीच कटुता बढ़ जाती है। इसी बीच में सामंती जीवन का एक बहुत क्रूर रूप प्रस्तुत करने वाली एक घटना घटती है, ठीक है, जिसमें जबकि पृथ्वीराज को ये पता चलता है कि उसका एक योग्य मंत्री कैमास वो उसकी एक दासी पर अनुरक्त है, तो ये जानकर के वो इतना ज़्यादा क्षुधित हो जाता है कि वो रात में छिप करके जाता है और कैमास का वध कर देता है पृथ्वीराज। हालांकि चंद्रवरदाई ने इस घटना पे पृथ्वीराज को बहुत लताड़ा है, इसमें मैंने बहुत उसकी आलोचना की है अच्छे से, ठीक है। इसी बीच में क्या होता है कि जयचंद की बेटी संयोगिता भी वो क्या होती है, वो पृथ्वीराज पर अनुरक्त हो जाती है, उसको पृथ्वीराज से प्रेम हो जाता है, ठीक है। फिर बहुत सारे ज्योतिषियों और हितैषियों को के मना करने के बावजूद पृथ्वीराज ये तय करता है कि वो संयोगिता को लेकर आएगा, ठीक है। कन्नौज जाने से पहले वो अपनी रानियों से अनुमति लेने के लिए रनिवास जाता है, लेकिन 6 रानियों के पास वो 2-2 महीने का समय गुजारता है, ठीक है। चंद्रवरदाई ने इस घटना के माध्यम से यहाँ पर वो षड ऋतु का वर्णन करते हैं, ठीक। विशेषता मैं साथ में बताती चल रही हूँ कि कहाँ कौन सी विशेषता आपको मिलेगी, तो यहाँ पे षड ऋतु का वर्णन की विशेषता आपको इस घटनाक्रम में देखने को मिलती है। इसके बाद क्या होता है कि पृथ्वीराज सेना लेकर कन्नौज जाता है, गंगा के किनारे उसकी संयुक्ता से भेंट होती है और वो क्या करता है कि उसको घोड़े पर बैठा करके चल देता है। पृथ्वीराज तो युद्ध लड़ते हुए अजमेर पहुंच जाता है, लेकिन उसके बहुत सारे जो वीर सैनिक वीर योद्धा जो रहते हैं वो युद्ध में मारे जाते हैं। अब देखिएगा यहीं से पृथ्वीराज कमजोर होना शुरू हो चुका है, चूंकि उसने 2 अपने पहले विश्वासपत्र पात्र सामंतों को मार दिया है, सैनिकों को, ठीक है, और एक ये अजमेर की लड़ाई जो इसकी है इसमें वो और कमज़ोर हो जाता है क्योंकि इसके बहुत से वीर योद्धा इसमें मार दिए जाते हैं। अंत में क्या होता है कि जयचंद क्या करता है, वो दहेज भेजता है पृथ्वीराज के पास उसकी और संयोगिता के विवाह की स्वीकृति के लिए, ठीक है। इच्छिनी और संयोगिता में अब क्या होता है, चूँकि भाई स्त्रियोचित ये तो ईर्ष्या होना स्वाभाविक है, 2-2 पत्नियाँ हैं, तो उसके पहले से भले 6-6 थी, लेकिन अब ये 2 हैं तो ये दोनों चूँकि स्वयं ही उससे अनुरक्त है पृथ्वीराज पर, तो इसलिए इन दोनों में क्या होता है कि ईर्ष्या और द्वेष जैसे भाव पनपते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि पृथ्वीराज जो है समझाते हैं दोनों को और फिर वो दोनों जो है आपस का वो माने द्वेष और ईर्ष्या भूल करके वो दोनों सुखपूर्वक रहने के लिए राजी हो जाती हैं कि ठीक है हम दोनों साथ में रहेंगे। अब पृथ्वीराज क्या होता है, निश्चिंत हो जाता है, फिर वो बहुत ज़्यादा घोर विलासिता में डूब जाता है और अपने सारे राजकीय दायित्वों से वो बेखबर रहने लगता है, ठीक है। तभी गौरी क्या करता है, वो हमला करता है। वो इसके पहले कई हमलों में वो पृथ्वीराज से हार कर पृथ्वीराज से वो माने अभयदान या जीवनदान ले चुका है, लेकिन इस बार उसकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। चंद्रवरदाई हम्मीर के पास सहायता मांगने के लिए जाता है, लेकिन हम्मीर क्या करता है, वो चंद्रवरदाई को बंदी बना लेता है और गौरी की सहायता कर देता है। अब युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज हार जाता है। फिर गौरी क्या करता है, उसको बंदी बना लेता है पृथ्वीराज को और उसकी दोनों आंखें निकाल करके क्या करता है, गजनी में कैद कर देता है। संयोगिता और जो उसके साथ की जो और जो रानियाँ थी वो सभी क्या करती हैं, जौहर कर लेती हैं, क्योंकि पृथ्वीराज बंदी हो गया रहता है और वो अब उनको कहीं ना कहीं हार अपनी दिखाई देने लगती है, तो वो क्या करती हैं, वो जौहर कर लेती हैं। जौहर आपने पद्मिनी मूवी में देखा होगा, जौहर वो उस समय होता था कि औरतें क्या करती थी, स्वयं को एक कमरे में बंद करके और जिंदा स्वयं को जला दिया करती थी ताकि उनको कोई और उनका शोषण न कर पाए, वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वो ऐसा करती थी। तो चंद्रवरदाई को जैसे ही ये सूचना मिलती है वो 2.5 महीने में पृथ्वीराज रासों की रचना करते हैं और बाकी का लेखन कार्य जो है वो अपने पुत्र जल्हड़ को सौंप करके वो गजनी चले जाते हैं, ठीक है। इसके जिक्र वो करते हैं कि पुस्तक जल्हड़ हथ दय चली गज्जन नृपकाज, ठीक है। इन्होंने ये चीज़ लिखा है, स्वयं खुद लिखी है ये बात की जो है कि 2.5 महीने मैंने इसकी रचना की है पृथ्वीराज रासों की, और आगे की जो रचना है उसके आगे की वो जल्हड़ ने की है जो कि मेरा पुत्र है, ठीक है। फिर वहाँ पर वो गौरी को ये कहानी सुनाता है पृथ्वीराज की, उसकी प्रशंसा में पृथ्वीराज की, कि वो शब्द भेदी कौशल में कितना ज़्यादा माहिर है,
की शब्द भेदी कौशल के आधार पर वो अपने बाढ़ से लोहे के 7 तवे भेद देता है। ऐसी घटना मैंने ऐसी प्रशंसा वो करता है गौरी के सामने। वो शायद बहुत चतुर थे चंद्रवरदाई, तो वो जानते थे कि अगर मैं ऐसी प्रशंसा करूँगा तो ये मुझे मौका जरूर देगा पृथ्वीराज से ये करके दिखाने का। ठीक है, और होता भी यही है कि फिर क्या होता है कि गौरी जो है वो पृथ्वीराज का ये कौशल देखने के लिए उसके अंदर बहुत उत्सुकता जागृत हो जाती है। वो ये सोचता है कि अगर इसकी इतनी प्रशंसा की जा रही है तो क्या वाकई ये ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, यही देखने के लिए वो उसको अपने राजसभा में बुलाता है। ठीक, वहाँ चंद्रवरदाई जो है वो पृथ्वीराज को संकेत से बताते हैं, एग्जैक्ट वो लोकेशन बताते हैं संकेत से कि गौरी कहाँ पर बैठा हुआ है। वो कहते हैं कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ठीक है, पृथ्वीराज अचूक वार करता है और गौरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद से फिर दोनों मित्र पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई एक दूसरे को मार देते हैं। ठीक है, चूँकि वो गुलाम बन करके नहीं रहना चाहते हैं, उनका साम्राज्य खतरे में है, पृथ्वीराज की आंखें निकाली जा चुकी हैं। ठीक है, और चंद्रवर और चूँकि बड़ी सेना है गौरी की, तो इसलिए वो क्या करता है कि वो दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। कहते हैं कि मैं किसी आक्रांता के हाथों मारे जाने से अच्छा है कि हम मृत्यु का वरण स्वयं कर लें। अब देखिए, यही कहानी है इतनी। ठीक है, जहाँ पर कि गौरी की मृत्यु पृथ्वीराज के हाथों दिखाई गई, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिएगा। और जो इतिहास है हमारा वो गौरी की मृत्यु को पृथ्वीराज के हाथों नहीं मानता है। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी कि कहाँ क्या मानता है। आपने इतिहास पढ़ा है, आप जानते भी होंगे, लेकिन अभी बताना उचित नहीं है। तो अब जब इस पूरे कथानों को आप ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो पृथ्वीराज रासो के भीतर ही भीतर त्रासदी या ये कही कि ट्रेजेडी जिसकी बात हम कर रहे थे, वो आप उसकी अंतरधारा बहती हुई आपको नजर आएगी जो लास्ट वीडियो में हमने ट्रेजेडी के विषय में बात की थी। ठीक है, खास तौर पर रचना के अंतिम क्षणों में जब पृथ्वीराज कैद में है और उसको अपने भूलों का एहसास होता है, उसको लगता है कि उसने बिना पर्याप्त कारणों के कर्ण जैसे योग्य सामंत और कैमास जैसे योग्य मंत्री को दंडित करके खुद को कमजोर कर लिया, अपनी शक्ति क्षीण कर ली। ठीक है, उसे ये भी ध्यान आता है कि वो और उसके अन्य सामंत यशलिप्सा और स्त्रीलिप्सा के कारण अपनी शक्ति और दायित्व से दूर भागते रहे। ठीक है, पृथ्वीराज की चिंतन प्रक्रिया जब हो रही थी, ये जब वो चिंतित इन सब पर विचार कर रहा था, तो उसमें आने वाला एक वाक्य खंड निराधार आधार करतार तू ही इस द्रास्ती को बहुत ज़्यादा मार्मिक बना देता है। क्योंकि वो राजा जो कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, वो निराधार होकर ईश्वर की कृपा पर अब निर्भर है। ठीक है, अंतिम घटना जो है वो पृथ्वीराज के हाथों गौरी का वध इस त्रासदी को थोड़ा सा कम जरूर कर देता है, या इस ट्रेजेडी के दर्द को थोड़ा सा कम जरूर करता है पाठक के हृदय में जो है उसके, लेकिन अब पाठक फिर भी इस त्रासदी के प्रभाव से पूरी तरीके से उभर नहीं पाता है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं कि पृथ्वीराज की को वो अभी और जीता हुआ और शायद गौरी पर विजय प्राप्त करता हुआ, वो कहीं ना कहीं उसके मन में वो उसकी वो छवि बनी हुई रह जाती है। ठीक, तो ये है इसका पूरा कथाक्रम पृथ्वीराज रासो का। अब हम बात करने वाले हैं इसकी प्रामाणिकता की। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो की कथा आपने सबने सुन ली, समझ में आ गई होगी आपकी की स्टोरी क्या थी, जो मुख्य जहाँ पे जो बातें थी उसमें उनको मैंने हाईलाइट करके भी बताया है आपको। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इसकी प्रामाणिकता की। तो रासो काव्यों में विशेषता पृथ्वीराज रासो के संबंध में ऐतिहासिक प्रामाणिकता का प्रश्न बहुत ज़्यादा विद्वानों ने उठाया है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो में जो पहला पॉइंट है कि इसको कौन कौन प्रामाणिक मानता है, कौन अप्रामाणिक मानता है, कौन अर्ध प्रामाणिक मानता है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, गौरीशंकर ओझा और डॉक्टर व्यूलर, इन्होंने इसको पूर्णतः अप्रामाणिक माने सिरे से नकार दिया है। ठीक है, तो और कुछ विद्वान जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो इसको और अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, और बहुत से ऐसे विद्वान थे जिसमें कि मिश्र बंधु श्याम सुंदर दास, गारसा दत्तासी, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन, कर्नल टॉड और जॉन वीम्स, ठीक है, ये लोग शामिल हैं। इन लोगों ने इस रचना को प्रामाणिक माना है। ठीक, प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का प्रश्न जो है ये दो बिंदुओं पर टिका हुआ है। ठीक है, या केंद्रित है कह लीजिए। पहली समस्या ये है कि इस रचना के 4 संस्करण उपलब्ध हैं। ठीक, और ये निश्चित करना बहुत कठिन है इसमें कि कौन सा संस्करण प्रमाणित है। ठीक है, और इस रचना
के अंतर्गत जो घटनाएं, तिथियां और वंश परंपराएं इसमें वर्णित की गई हैं उनकी ऐतिहासिकता जो है वो भी प्रामाणिकता के घेरे में कैद है। ठीक, गौरीशंकर पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण उपलब्ध होते हैं। ठीक है, वृहद, मध्यम, लघु और लघुतम। इसका कारण ये है कि जो साहित्य आदिकाल में रचा गया उसमें आगे के बहुत से कवियों ने क्षेपक या जिसको कहते हैं प्रक्षिप्त या अलग से कुछ और उसी के समतुल्य रचना करके उसमें कुछ अंशों को जोड़ दिया। ठीक है, इसका इस कारण से रचना की कई ऐसे अंश शामिल हो गए जो कि ये कह सकते हैं जो कि संभवतः उस मूल रचनाकार द्वारा न रचे गए हों। ठीक है ना, जो कि किसी अन्य द्वारा रचे गए हों। यही कारण है कि इस महाकाव्य को अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान जो है वो 4 संस्करणों की जो उपलब्धता है उसको प्रमुख प्रमाण के तौर पर लेते हैं। ठीक, जिन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है उनके तर्कों को अगर आप क्रमशः विश्लेषित किया जा सकता है तो उसमें जो गौरीशंकर ओझा हैं उन्होंने इस रचना को अप्रामाणिक सिद्ध करने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु दिए, इसलिए मैं यहाँ पर उनके बिंदुओं का जिक्र यहाँ पर मैं कर रही हूँ। ठीक है, पहला उन्होंने ये कहा कि चौहान जो है वो सूर्यवंशी क्षत्रिय माने जाते हैं न कि अग्निवंशी क्षत्रिय। ठीक है, जबकि इस रचना में चौहानों को आबू के अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं, ये याद करने वाली बात है कि गौरीशंकर ओझा ने किन किन बिंदुओं पर तर्क अपने दिए हैं। ठीक है, इसमें आप कुछ अपनी तरफ से नहीं लिख सकते हैं। ये जो प्रामाणिकता का प्रश्न है इसमें आपको दूसरे के ही उस पर के विचारों पर ही इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इस रचनाओं में चौहानों की वंशावली के 44 नाम प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, जिसमें से कि सिर्फ 7 ही प्रामाणिक हैं और बाकी जो है वो अप्रामाणिक हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट जो है इसमें वो ये है कि पृथ्वीराज की माता का नाम इस ग्रंथ में कमला देवी बताया गया है, जबकि ऐतिहासिक साक्ष्यों में उनका नाम जो है वो कर्पूरी, जो हमारे इतिहास जो है उसमें इनका नाम कर्पूरी देवी प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद से क्योंकि वो अप्रामाणिक मानते हैं इसलिए ये अप्रामाणिकता के जो बिंदु हैं वो हैं। ठीक, पृथ्वीराज के पिता की मृत्यु की तिथि और उससे संबंधित कई अन्य घटनाएं जो हैं इसमें वो काल्पनिक हैं ऐसा कहा गया है। ठीक है, पृथ्वीराज की बहन प्रिथा का विवाह समर सिंह से होना बताया गया है। ठीक, जबकि ये संभव नहीं है क्योंकि जो समर सिंह है वो पृथ्वीराज की मृत्यु के पश्चात 100 वर्षों तक जीवित रहे। ठीक है, इसका मैं यहाँ पर उल्लेख नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। और एक और घटना है इसमें कि पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के 14 विवाहों का वर्णन किया गया, जबकि इतिहास के अनुसार मैंने ये बात अविश्वसनीय लगती है क्योंकि भाई 30 वर्ष की अवस्था के आसपास उनकी मृत्यु हो गई थी, तो अगर वो 14 विवाह अगर उन्होंने किया था तो उसका क्या क्रम रहा होगा उन 14 विवाहों का। इस बात को ध्यान में रख करके अगर आप तर्क दें तो ये समझ में आता है कि शायद ये अप्रामाणिक है या फिर इसकी ऐतिहासिकता या कथानक में के संदर्भ में कुछ प्रश्न जरूर उठ करके सामने आ जाते हैं। ठीक है, फिर अगली बात ये है कि पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है वो भी बताए गए काल की नहीं है, क्योंकि इसमें कई ऐसे शब्द या कारक चिन्हों या रूपों का प्रयोग हुआ है जो 16वीं सदी के सदी की भाषा के लगते हैं। ठीक, इसके बाद से जो अगला तर्क ये देते हैं वो ये देते हैं कि इस ग्रंथ में पृथ्वीराज का जन्म और मृत्यु जिस संवत में बताया गया है उसे इतिहास स्वीकार नहीं करता। ठीक है, ऐतिहासिक दृष्टि से जो इनका जन्म और मृत्यु का जो समय है वो भी गलत बताया गया है इसमें, ऐसा हमारे इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, फिर पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो में भी एक तथ्य को लेकर बहुत अंतर विरोध है। पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि पृथ्वीराज ने परमाल को जीवन दान दे दिया था, जबकि परमाल रासो में ये बात कहता है कि पृथ्वीराज ने परमाल को निर्दयतापूर्वक मार डाला था। हालांकि परमाल रासो की मूल कृति आज भी उपलब्ध नहीं है, ये सिर्फ गाने और गाने में थे। परमाल रासो वही है आलखंड, ठीक है, जिसको कि गाया जाता है। ठीक है, इसका मूल कृति इसकी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस तर्क को बहुत अधिक नहीं माना जा सकता है वैसे, क्योंकि वो उपलब्ध ग्रंथ नहीं है अभी भी इसलिए। लेकिन फिर भी ओझा जी ने ये दिया है, इसको इस बिंदु को उन्होंने अपने तर्कों में शामिल किया है। ठीक है,
अगला है, पृथ्वीराज रासो में बताया गया है कि अंधे पृथ्वीराज ने गोरी को मार डाला था, जबकि इतिहास मानता है कि गोरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में खखरों या गक्करों के हाथों हुई थी। ठीक है, खखरों की लड़ाई में गोरी का की मृत्यु मानी जाती है, इतिहास में 1206 में इसकी मृत्यु मानी गई है। तो यही बात मैं वहाँ पे कह रही थी कि अगर जब आप इतिहास पढ़ रहे होंगे तो आपने गोरी का जो समय पढ़ा है उसमें आपको 1206 ईस्वी याद होगी कि 1206 ईस्वी में गोरी मारा जाता है और खखरों के हाथों, खखरों के युद्ध के दौरान वो मारा जाता है। ठीक है, फिर है हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये इस रचना को अप्रामाणिक मानने के पीछे जो इन्होंने मुख्य कारण बताया है वो ये, इसकी भाषा जो है वो पृथ्वीराज के समय की प्रतीत नहीं होती है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो की भाषा में अरबी और फारसी शब्दों की भरमार है जो कि इस काल से असंगत है, मतलब कि इस समय पर अरबी और फारसी के शब्द उतने प्रचलन में नहीं थे, ऐसा राम कुमार वर्मा का मानना है। आचार्य शुक्ल भी कहते हैं, उनका तो स्टेटमेंट ही है पूरा कि इस रचना के की भाषा बिल्कुल बेठिकाने है, इसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, इन सभी आधारों के अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार इन विद्वानों ने प्रस्तुत किया कि पृथ्वीराज के समकालीन कवि जो जयानक थे, ठीक है, उनकी जो उनका जो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, उसके आधार पर ये रचना प्रमाणित सिद्ध नहीं होती है। इसके पीछे इसके दो संदर्भ हैं। पहला, सबसे पहली बात ये कि जयानक ने अपने काल के सभी कवियों का उल्लेख इस ग्रंथ में किया है लेकिन उन्होंने चंदवरदाई का नाम कहीं नहीं लिया है। ठीक है, फिर जो दूसरी बात ये आती, दूसरा तथ्य है वो ये है कि पृथ्वीराज विजय में दिए गए जो भी तथ्य हैं उनसे पृथ्वीराज रासो की घटनाएँ कहीं मेल ही नहीं खाती हैं। ठीक है, जबकि दोनों एक ही कवि के द्वारा लिखे गए हैं, एक ही समय के कवि हैं पृथ्वी जय सॉरी ये आपके पृथ्वीराज विजय के कवि जयानक और छंदवरदाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये जयानक वाला तथ्य भी हमारे सामने एक आता है, इसकी जो कि इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। ठीक है, अब कुछ विद्वान ने इन तर्कों का खंडन कर किया है और पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक मानने के पक्ष में है वो। ठीक है, इन विद्वान वर्गों में जो सबसे महत्वपूर्ण नाम और जो सबसे महत्वपूर्ण तर्क जो दिया है वो मिश्र बंधुओं ने दिया है। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने ये कहा है कि अगर जयानक ने पृथ्वीराज विजय में चंद का उल्लेख नहीं किया है तो बहुत संभव है कि इसका कारण जो है वो उनका आपसी द्वेष या ईर्ष्या रही हो। ठीक है, और वो ये कहते हैं कि एक ही काल के दो कवियों में ऐसी प्रतिस्पर्धा का होना सामान्य बात है और ये बिल्कुल सही है। और अरबी फारसी के शब्द भारत में जो है वो कहते हैं कि शहाबुद्दीन गौरी के आक्रमण के समय से नहीं आने शुरू हुए थे, बल्कि उसके 200 वर्ष पहले जब गजनवी ने आक्रमण किया था भारत में, तभी से अरबी फारसी शब्द जो है वो भारत में प्रवेश कर चुके थे यहाँ की ज़बान में। तीसरी बात, अगर आप इस उर्दू फारसी, जहाँ तक बात अरबी फारसी की है, अगर इसके लिए अगर आप ये ध्यान दें कि चंदवरदाई का जो जन्म था वो आपका यहाँ पर चंदवरदाई का जो जन्म है वो लाहौर में हुआ था, तो भी ये बात आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि क्यों उनकी जबान में या उनकी रचनाओं में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग बहुलता से पाया जाता है। ठीक है, अब जहाँ तक घटनाओं और तिथियों के अंतराल का प्रश्न है, तो ठीक है, इसका कारण संवत संबंधी धारणा को माना है उन्होंने। वो ये कहते हैं कि इतिहास में जिसे संवत कहते हैं उसकी तुलना में 90-91 वर्षों की कमी पृथ्वीराज रासो की घटनाओं में दिखाई देती है और इसका कारण यह है कि चंद ने एक विशेष संवत अनंत विक्रम साक, जिसको कहा गया है, ठीक है, उसका ये मैंने लिखा है यहाँ पर अनंत विक्रम साक, इस संवत का प्रयोग किया है। और अगर पृथ्वीराज रासो की प्रत्येक घटना की जो तिथि है अगर उसमें 90 वर्ष जोड़ दिए जाए तो अधिकांश घटनाएं आपकी प्रामाणिक हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है बल्कि साहित्यिक ग्रंथ है। ठीक है ना, तो इतिहास का जो उद्देश्य होता है वो अतीत की वस्तुनिष्ठ व्याख्या करना होता है, जबकि साहित्य का जो उद्देश्य है वो भाव और
संवेदना को उद्दीप्त करना होता है, ठीक है। वो प्रामाणिक करना, किसी चीज़ को प्रमाणित करना, ये इतिहास का काम है, साहित्य का काम नहीं है। साहित्य क्या करता है, वो उस काल चक्र की, उस समय की, उस समाज की संवेदना को उद्दीप्त करने या उकेरने का काम करता है, ठीक है ना। तो साहित्य के लिए आवश्यक है कि उसमें कल्पना का प्रयोग किया जाए, इसलिए थोड़ी बहुत कल्पना के प्रयोग की छूट तो मुझे लगता है कि चंद को भी चंद वरदाई को या फिर किसी भी कवि को मिलनी चाहिए, ठीक है। इस पूरे विवाद में कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो कि कहते हैं कि ना ये प्रामाणिक है और ना ही अप्रामाणिक है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमारे, ये इसको अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, ठीक है। और उदाहरण के लिए इसमें समझते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसके चारों संस्करणों का विश्लेषण के आधार पर वो ये कहते हैं कि इस रचना के कुछ अंश प्रामाणिक हैं और कुछ अप्रामाणिक हैं, ठीक है। यहाँ प्रामाणिकता का आशय इस बात से है कि कौन सा अंश मूल रचनाकार ने स्वयं लिखे हैं, ठीक, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि उनका जो निष्कर्ष है वो ये है कि जिन अंशों में शुक्शुकी संवाद की कथानक रूढ़ी का प्रयोग हुआ है, शुक्शुकी संवाद के माध्यम से जहाँ पर कथा कही गई है, वे सभी अंश प्रामाणिक हैं और बाकी सभी अंश जो हैं उसके अतिरिक्त जो अंश इसमें जुड़े हुए हैं वो क्षेपक के तौर पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, और उनको उन्होंने अप्रामाणिक माना है, ठीक। अब पूरा विश्लेषण अगर हम करें इन सबको मिला करके, प्रामाणिक, अप्रामाणिक और अर्ध प्रामाणिक को मिला करके तीनों तर्कों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो की जो भाषा है उसमें वर्णित घटनाएं, ठीक है, तिथियां, ये सभी ऐसे कई प्रसंग हैं जो कि इस रचना को प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करते हैं। वस्तुनिष्ठ समीक्षा करेंगे तो मानना पड़ेगा कि इस रचना में ऐतिहासिक प्रामाणिकता का शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया है जितना कि किसी रचना से अपेक्षित होता है। इसका मुख्य कारण है आपका दरबारी माहौल के कारण, माहौल और आपकी ये क्या कहते हैं चारण परंपरा, ठीक है, जिसमें कवि का उद्देश्य अपने राजा की प्रशस्ति करना अधिक होता है और ऐतिहासिक या वस्तुनिष्ठता को बनाए रखना कम होता है, ठीक है ना। तो एक इन सभी बातों का अगर हम ध्यान देकर के अगर इसकी व्याख्या, तो इस तरीके से ये पूरी रचना जो है वो प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता और अर्ध प्रामाणिकता के बीच में अटकी हुई है आज भी, ठीक है। और ये तर्क हमारे विद्वानों के माध्यम से इसमें इसके लिए दिए गए हैं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे जो बाकी के हमारे रासो हैं, काव्य हैं, उनकी प्रामाणिकता पर भी हम कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आते हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल, जो पहला हमारा रासो ग्रंथ है वो है हमारा खुमाड़ रासो। तो इसके विषय में बात करते हैं हम कि खुमाड़ रासो की प्रामाणिकता के लिए क्या कहते हैं लोग। तो रामचंद्र शुक्ल ने 9वीं सदी में, ठीक है, की रचना इसको बताया है और इसके लिए वो ये प्रमाण देते हैं कि इसमें इसी सदी के चित्तौड़ नरेश खुमाड़ के युद्धों का वर्णन है और शुक्ल जी के अनुसार इसी शताब्दी में दलपति विजय नामक व्यक्ति इसके रचयिता हैं, ठीक है। बाद के कुछ शोधकर्ताओं ने ये मत प्रस्तुत किया कि ये जो रचना है ये 17वीं शताब्दी की है और 17वीं शताब्दी के दलपति विजय नामक एक जैन साधु इसके रचनाकार हैं, ठीक है। इसके पक्ष में प्रमाण ये दिया गया है कि इस रचना में 17वीं सदी के चित्तौड़ नरेश राज सिंह तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है, ठीक। दूसरा जो है हमारा वो हमारा बीसल देवरासो है, ठीक है। इस ग्रंथ को प्रायः 1155 ईस्वी की रचना माना जाता है, हम याद भी करते हैं कि 1155 ईस्वी की रचना है बीसल देवरासो और इसके जो रचनाकार हैं वो नरपति नाल माने जाते हैं। फिर आगे चलकर माता प्रसाद गुप्ता ने जो है इस ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि 14वीं शताब्दी की रचना है ये, और जबकि मोतीलाल मेनारिया जो थे उन्होंने इसको 16वीं शताब्दी का सिद्ध किया है, लेकिन फिर भी सर्वमान्य यही है कि ये 1155 ईस्वी की रचना है और इसके रचनाकार जो है वो नरपति नाल माने गए, यही सर्वमान्य है, ठीक। अगला है हमारा हमीर रासो। हमीर रासो जो है इस ग्रंथ का आरंभिक वर्णन जो मिलता है वो आचार्य शुक्ल ने किया है, ठीक है। ये उनकी जो इतिहास, उनका जो इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें मिलता है। उन्हें ये रचना तो उपलब्ध नहीं हुई थी, लेकिन कुछ छंद जो है प्राकृत प्रांगलम में उनको इसके मिल गए थे और शुक्ल जी ने उनके आधार पर ये अनुमान लगाया था कि इस रचना में हमीर और अलाउद्दीन के युद्धों का वर्णन रहा होगा। फिर आगे चलकर ये मत सामने आया कि ये जो शुक्ल जी थी, शुक्ल जी की ये कल्पना मात्र थी,
क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ने अपना मत प्रस्तुत किया कि ये पद जो है ये जज्जल नामक किसी कवि की रचना है, ये उसके द्वारा रचित है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो यहाँ तक कहा कि इस रचना में का जो नाम है हमीर वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि ये अमीर शब्द का विकृत रूप है, ठीक है। और वर्तमान समय में ये रचना प्रमाणित इसलिए नहीं मानी जाती है, हमीर रासो जो है, ठीक। फिर हम बात करते हैं परमाल रासों की, ये हमारी आखिरी है। और इस रचना की मूल प्रति नहीं उपलब्ध हुई है, ये मैंने पहले ही बताया है आपको। फिर माना जाता है ऐसा कि ये उत्तर प्रदेश के महोबा के आसपास का जो आलखंड लोक प्रसिद्ध है, ठीक है, वही परमाल रासों का वो विकसित रूप है, ठीक है। इसी आलखंड के आधार पर आपका ये 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने परमाल रासों को पहली बार प्रकाशित किया था। और घटनाओं के स्तर पर भी इसमें बहुत सारी असमानता है, जैसे कि अपने पहले ही हमने चर्चा की कि पृथ्वीराज रासों में कहा गया कि पृथ्वीराज ने परमाल को जीवन दान दे दिया था, और परमाल रासों में ये बात कही गई कि पृथ्वीराज ने परमाल रासों को बहुत निर्दयतापूर्वक मार डाला था। तो इस तरीके के कुछ बातें मिलती हैं जो कि अमेल नहीं खाती हैं, बेमेल हैं बहुत सारी रचनाओं से, इसलिए इसकी भी प्रामाणिकता पर प्रश्न ऐसे ही बना हुआ है। चूँकि मूल प्रति भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको बहुत अधिक प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोक प्रचलन में चूँकि इसके काव्य हैं तो ये रचना रही होगी ऐसा माना जाता है। लेकिन इसकी प्रामाणिक कितनी है कितनी नहीं है इस विषय में कोई तर्क अब तक स्पष्ट रूप से सामने हमारे नहीं आता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और ये आदिकाल का लास्ट वीडियो था। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा वो आएगा भक्तिकाल पर, हम बात करेंगे और उसको भी जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। भक्तिकाल भी चूँकि हमारा बड़ा है, स्वर्ण काल कहा जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो आदिकाल की वीडियोस ख़त्म हो गई। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक कहीं छूट रहा है या कोई किसी पेपर में आपकी नज़र से गुजरता है, कोई पेपर जिसमें कि कोई ऐसा टॉपिक है जो पूछा गया है और इसमें चर्चा नहीं की गई है इस चारों वीडियोस में, आदिकाल के ऊपर जो चार वीडियो बने हैं इसमें, तो फिर आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और हम उस पर भी चर्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए वीडियोस को हमारे अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।